प्रदेश भर में जहां बारिश का कहर बरस रहा है, वहीं अब लगातार हो रही बरसात के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है और अलग अलग तरह के नुकसान लोगों को उठाने पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मुरैना के कैलारस में देखने को मिला, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण नेपरी कुआरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ गया। वहीं कैलारस से सबलगढ़ जाने वाले नेपरी पुल पर हजारों लोग इस नजारे को देखने पहुंच रहे हैं। नेपरी पुल की सड़क पर दरार पड़ गई है, जिस कारण बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। वहीं पुलिस और राजस्व के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचकर पुल से लोगों को हटा रहे हैं, साथ ही सावधानी के तौर पर वाहनों को निकलवा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। सुबह से ही थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार राहुल गौड़ पुलिस एवं राजस्व की टीम के साथ पुल पर मौजूद हैं। नायब तहसीलदार राहुल गौड़ ने बताया कि हमने तहसील के सभी गांव में पटवारियों और कोटवारों को अलर्ट कर दिया है, क्षेत्र की जानकारी ले रहे हैं। लगातार बारिश होने के कारण नेपरी पुल पर जो क्वारी नदी है, इसमें जलस्तर बढ़ने से सड़क पर दरारें आ गई, दरार पड़ गई और कुछ भी हादसा हो सकता है, प्रशासन इसका जल्द से ध्यान दे। लोगों ने बताया कि कई वर्षों बाद नदी का इतना जलस्तर बढ़ते हुए देखा है। नागरिकों का कहना है कि सन 1971 के बाद इतना पानी नेपरी पुल पर आया है। 1971 में पानी से पुल टूट गया था, हालांकि पुल नया बना है, फिर भी सड़क में दरार आने से लोगों की चिंता तो है और अभी तक आवागमन प्रशासन ने कम कर दिया है। पहले 71 का तो मेरा जन्म नहीं है, पर अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों से हमने सुना था कि सन 71 में ऐतिहासिक रूप से नदी बहुत उफान पे आई थी और लकड़ी, बड़ी बड़ी लकड़ी की ढंडे से मरने से पुल टूट गया था। उसके बाद सन 2014 में एक बार भी कुछ बहाव अधिक आया था, उसके बाद ये तीसरी मरतबा नदी का बहाव है जो अधिक बारिश होने से इस प्रकार का बहाव पुल पर चल रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों को समझाइश भी दी जा रही है और पुलिस की और एसपी मौजूद है मौके पर और थोड़ा सड़क पर पहुँच वगैरह आ गई है। सुबह से थोड़ा जलस्तर बढ़ चुका है, जिला प्रशासन को हर समय अवगत कराया गया है, सभी कोटवारों को पटवारियों को सूचित कर दिया है, वो अपने मौके पर तैनात है। ऐसे में प्रशासन की चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। लोगों को टाइम टाइम पर अलर्ट भी कर रही हैं कि इस रास्ते से ना आए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। एमपी में बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति कहीं ना कहीं लोगों के लिए कहर बनकर टूट गई है। कैलारस से जुनैद पठान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।